रणबीर ने फेंका फैन का मोबाइल, लोगों ने सुनाई खरी खोटी। बॉयकॉट बॉलीवुड पर आलिया ने दिया बयान, अनुष्का शर्मा हुई ऊप्स मोमेंट का शिकार। डालिए इस हफ्ते की 10 मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज पर एक नजर। रणबीर कपूर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से वो अपने फैन का मोबाइल फेंक देते हैं। वीडियो को देख लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है और वो रणबीर को खरी खोटी सुना रहे हैं। अनुष्का शर्मा ने एक इवेंट में शिरकत की। इस दौरान तेज हवाओं की वजह से उनका टॉप और बाल लगातार हवा में उड़ता दिखा और वो अनकंफर्टेबल नजर आई। शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज हो चुकी है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता फिल्म का विरोध करते नजर आए। आलिया भट्ट ने बॉयकॉट बॉलीवुड करने वालों को जबरदस्त जवाब दिया है। दरअसल आलिया ने शाहरुख खान की फिल्म पठान देखी, साथ ही फिल्म की जबरदस्त हो रही कमाई को देखते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, व्हाट अ ब्लास्ट, बिकॉज लव ऑलवेज विंस। ट्विटर पर वापसी करते ही कंगना रनौत ने इंडस्ट्री पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि फिल्म इंडस्ट्री मूर्ख है। कंगना की टिप्पणी शाहरुख खान की फिल्म पठान के रिलीज के दिन आई है। उनके ट्वीट को देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि वो पठान पर निशाना साध रही हैं। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड पर करीना कपूर ने अपना रिएक्शन दिया है। रिपोर्टेडली एक इवेंट पर करीना ने कहा, अगर ऐसा होता है तो हम एंटरटेन कैसे करेंगे, आपकी लाइफ में एंजॉय और खुशी कैसे होगी, जो मुझे लगता है कि हर किसी को चाहिए। अगर फिल्में नहीं होंगी तो मनोरंजन कैसे होगा। करीना का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर विवाद शुरू है। नौरा फतेही ने कौन मैन सुकेश चंद्रशेखर को लेकर दावा किया था कि उसने गर्लफ्रेंड बनने के बदले में एक्ट्रेस को बड़ा घर और अच्छी लाइफस्टाइल देने का वादा किया था। ऐसे में नौरा के इन दावों पर अब खुद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने चुप्पी तोड़ी है। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, आज वो कहती हैं कि मैंने उनसे घर देने का वादा किया था, लेकिन वो तो मोरक्को में घर खरीदने के लिए पहले ही मुझसे काफी पैसे ले चुकी हैं। ये सब कहानी नौरा ने खुद ईडी की गिरफ्त से भागने के लिए गढ़ी है। खबर है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां ने उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद वर्सोवा पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी पत्नी का नवाजुद्दीन की मां से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ था, जो पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा है और भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को जान से मारने की धमकी मिली है। जान से मारने की धमकियों के बाद फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। रिपोर्टेडली इनकी गांधी गोट से एक युद्ध 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। 200 करोड़ के सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रिपोर्टेडली उन्होंने एक याचिका दायर कर दुबई जाने की इजाजत मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। हालांकि कोर्ट ने एक्ट्रेस को सशर्त दुबई जाने की इजाजत दी है।